गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बजे है सुबह के लगभग 9:45 और मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ बना लिया है और अब मैं शुरू करूँगी दिवाली का क्लीनिंग। तो ये देखिए, मैं सारे विंडो का जो पर्दा है वो उतर लूंगी। ये देखिए, मैं इस विंडो के ऊपर पर्दा उतर लिया। ये देखिए, और अब दरवाजे का पर्दा भी हमें खोलना पड़ेगा। अब मुझे विंडो का सारे लाइट्स भी उतरना है जो हमने दुर्गा पूजा पे विंडो पे लगाया था। अब शुरू हो गया झाड़ू से धूल झाड़ना। ये देखिए कितने धूल है, सारे विंडो पे धूल ही धूल है। ये देखिए इधर भी है। ऐसा कोई भी विंडो नहीं है जिधर धूल नहीं है, बहुत ज़्यादा ही धूल है। हमने दुर्गा पूजा पे एक बार क्लीनिंग किए थे लेकिन फिर धूल जम गया। ये देखिए खत्म ही नहीं हो रहा। अरे बाप, आप तो मेरे आंखों में आ गए। मुझे अब मुझे ये झाड़ू है ना, दीवार में सारे स्पाइडर का जाली है, इस झाड़ू से क्लीनिंग करना है। ये हमारा क्लीनिंग चल रही है। मैंने पानी को गर्म करने के लिए बच दिया है क्योंकि हमें वॉशिंग करना है। गर्म पानी से वॉशिंग अच्छा होता है। और मैं सारे चेयर के जो कवर है, कुशन के जो कवर है वो खोल रहा हूँ। जितने सारे कुशन है सबकी कवर। और एक साथ में ले जाना है वॉशिंग के लिए। ये मैंने वॉशिंग मशीन पे
कपड़े डाल दिए। एक बार से तो नहीं होगा, दो तीन बार लगेगा। और अब डाल रही हूँ सर्फ और उसके बाद गर्म पानी। अरे चालू हो गया वॉशिंग। जब तक वॉशिंग कंप्लीट ना हो तब तक मैंने कुछ और कम कर लूँगी, जैसे पानी से ये विंडो के सारे ग्रिल क्लीन करना है मुझे। अगर ऐसे अच्छे से क्लीनिंग होती है ना तो बार बार क्लीनिंग करना नहीं पड़ते हैं। साल में दो तीन बार ही काफ़ी है। देखिए मेरी क्लीनिंग चल रही है। अब शुरू हो गया मेरा झाड़ू के काम। सारे घर में धूल जम गए हैं क्लीनिंग के वजह से। अब वही मुझे क्लीन करना है, अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद करना है मॉपिंग। देखिए कितने सारे धूल, देखिए कितने सारे धूल। और इधर मेरा वॉशिंग भी चल रहा है एक साथ, तो कुछ कुछ छोटा छोटा कपड़ा मैंने हाथों से क्लीनिंग कर रही हूँ, उससे जल्दी जल्दी मेरा क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ वॉशिंग मशीन से, देखिए हमारे सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन है, इसलिए इसका दो पार्ट है। एक पार्ट में स्पिन करते हैं और दूसरे पार्ट में वॉशिंग होता है। और इधर वॉशिंग में मशीन में भी मैं धो रही हूँ। और अब मैं छत पे आ गई हूँ क्योंकि एक कपड़े मुझे धूप पे देना है और जल्दी जल्दी सुखाना भी है, इसलिए मैं एक साथ सब काम करना चाहती हूँ। कुछ इधर कुछ उधर ऐसे करके जितने हो सके आज ही मुझे पूरा काम कंप्लीट करना है। सारी जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट करना है। ये देखिए मेरा किचन, और मैं किचन में आ गई हूँ क्लीनिंग के लिए। लेकिन किचन में मुझे ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दो तीन दिन पहले मैंने डीप क्लीनिंग किए थे, इसलिए आज हल्का सा क्लीनिंग करने में किचन ठीक ठाक हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्लीनर से टाइल्स के ऊपर क्लीनिंग कर लेती हूँ। सिर्फ यही क्लीनर मैं यूज़ करती हूँ सारे किचन के क्लीन करने के लिए, और अच्छे से भी क्लीन हो जाता है।
तो दोस्तों अभी अभी मैं नहा के आ गई और मेरा क्लीनिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी मुझे बहुत भूख लगी है तो अभी मैं लंच करने के लिए जाऊंगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।